टॉक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोज शशांक। तो दोस्तों, आर्यन ऑटो सेल्स यहां पर एक बार हम फिर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाएंगे। अपाचे आरटीआर का डेडिकेटेड स्टॉक होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी अपाचे आरटीआर हैं, एवेंजर हैं और पल्सर भी है, सुपर स्प्लेंडर है और बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है। तो आपको यहाँ पर आपकी मनपसंद बाइक सभी मिलती रहेंगी। कोई भी गाड़ी की डिटेल लेना हो आप कॉल कर सकते हैं, किनारे नंबर दिया रहेगा पूरे वीडियो में। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शॉप के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। तो भैया वेलकम टू एस ब्लॉग्स। और आज कौन कौन सा कलेक्शन दिखाएंगे? आज सबसे पहले तो मैं कम रेंज की गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। हम लोग खड़े हैं आर्यन ऑटो सेल्स, सत्येन जी यहाँ के प्राउड ओनर हैं, गाड़ियों की डिटेल दे रहे हैं। भैया पहली गाड़ी है स्कूटी, हाँ। स्ट्रीक, हाँ। इसकी डिटेल दे दीजिए। ये आपको 2009 मॉडल है। 2009, हाँ। और ओके। ये आपको पड़ेगी 14,000। 14,000, हाँ। ओनरशिप कौन सी है? फर्स्ट ओनर है। किलोमीटर कितना चली हुई है? 20,000। ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे हर गाड़ी में और प्राइसिंग बताएंगे। दूसरी गाड़ी भैया एवेंजर है, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2019 मॉडल है। 19 मॉडल है, ओके। इसकी ओनरशिप कौन सी है? फर्स्ट ओनर है। कितना चली होगी? 8,500। 8,500 ऑन रिकॉर्ड? हाँ, ऑन रिकॉर्ड। मतलब छेड़छाड़ अपने यहाँ से मीटर से कोई नहीं होता है, ओके। बाकी जिसको डाउट हो चेक कराए, चेक करा सकता है। आस्किंग क्या कर रहे हैं भैया? 85,000। 85,000, ओके। नेक्स्ट गाड़ी भैया अपाचे जी, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2019 मॉडल है। 19 मॉडल है, हाँ। यानी लगभग बिल्कुल लेटेस्ट है तरीके से, हाँ। ओके, अभी तो नया शेप आ गया है लेकिन गाड़ी ये ऊंचा मॉडल है। प्राइसिंग भी पूछेंगे लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं भैया 19 मॉडल है, ओनरशिप कौन सा है? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। चली कितना होगी? चली मीटर चेक कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को एक्यूरेट मिल पाए। 18,000 चली हुई है, ये कोई बैक नहीं हुआ क्यों भैया? बाकी चेक कराना हो जिसको, निसंकोच आए, अगल बगल शोरूम है, चेक कराए। ओनरशिप फर्स्ट है, 18,000 चली हुई है, अपाचे आरटीआर है, सेकंड शेप है या थर्ड शेप कह सकते हैं। प्राइसिंग क्या है भैया? ये पड़ेगी 82,000 रुपये। 82,000, ओके। आ जाते हैं भैया कमांडो खड़ी हुई है, इसकी डिटेल दे दीजिए। 2017 मॉडल। 17 मॉडल है, ओके। यूपी 32 यानी सारे लखनऊ से, ओके। चली कितना है भैया? चलिए 10,000। 10,000, ओके। थोड़ा सा भैया इधर आ जाइए ताकि हम लोग के चेहरे पे भी थोड़ी रोशनी पड़े। चली कितना बताया आपने? 10,000 चली। 10,000 ओनली, हाँ। 17 मॉडल यानी ज़्यादा चली नहीं है, हाँ, नहीं। ओके, बाइक ही ऐसी है कि ये खाली रौले के लिए निकलती है क्यों भैया? हाँ, ओके। डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड ये पड़ेगी 80,000। 80,000, हाँ। ओके, अभी तो ये लगभग 1,00,000 प्लस ही आती है क्यों? ये 2,25,000। 2,25,000 मतलब 2 के आसपास रहती है, दो के। ओके, आ जाते हैं भैया पल्सर भी अपने पास खड़ी हुई है, हाँ। इसकी डिटेल दे दीजिए, इसकी डिटेल भैया पल्सर की दे दीजिए। पल्सर की डिटेल ये 2013 मॉडल है। 13 मॉडल है, हाँ। ओके, चली कितना होगी? चली है 20,000। 20,000, हाँ। 13 मॉडल है, 20,000 चली हुई है। 20,000 चली हुई। लोगों को डाउट बहुत रहता है, चेक करा लें। यहाँ पर जो आता है भले डाउट आप यहाँ के क्लियर करें लेकिन वीडियो में वो जब तक देखते हैं तब तक डाउट बहुत करते हैं, इसलिए आप एक तरीके से अश्योरेंस, अगर आपको डाउट है तो चेक करा ले कंपनी में, यहाँ पर कम चली हुई गाड़ी ली जाती है क्यों भैया? ओके, क्योंकि आप भी परचेज ही करते हैं कहीं ना कहीं से उसके बाद ही, तो जो चेकिंग का प्रोसेस है कम मीटर चली हुई होती है तभी गाड़ी परचेज की जाती है। इसकी डिटेल भैया 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 20,000 चली हुई है। क्या प्राइसिंग कर रहे हैं? 28,500। थोड़ा बहुत नेगोशिएट हम करा देंगे, आपका घाटा कराएंगे। 2,500 रुपये कोई दिक्कत नहीं, ओके। सुपर स्प्लेंडर खड़ी हुई है भैया, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। कौन सा मॉडल है भैया? ये 2017 मॉडल है। 2017 ऊंचा मॉडल ये भी है, i3s पे है जी, ओके। 17 मॉडल, ओनरशिप कौन सी है भैया? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है। टायर वायर बिल्कुल कुछ काम कराना है, सिर्फ पेट्रोल डालिए और चलाइए, कुछ नहीं करना है इसमें। पेट्रोल डला के चलाइए, ऐसी कंडीशन में गाड़ी रहती है। फर्स्ट ओनर है, चली कितना बताया भैया आपने? चली होगी 25,000। 25,000 ओनरशिप फर्स्ट है, 17 मॉडल है, 25,000 चली हुई है। आस्किंग भी भैया बढ़िया सी बता दीजिए। ये रेट बताना है ना? हाँ, रेट ये पड़ेगी 48,500। 48,500, ओके। पीछे भैया खड़ी हुई है CT 100, इसकी भी डिटेल दे दीजिए भैया। CT 100 भी अपने पास आज खड़ी हुई है, इसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, डिटेल दे दीजिए भैया इसकी। 18 मॉडल है। 18 मॉडल है, हाँ। ओके, 100cc की बाइक है, जिसको भी माइलेज लेना हो वो ये गाड़ी प्रेफर कर सकता है क्यों भैया? ओके,
18 मॉडल है, ओनरशिप कौन सा है? फर्स्ट ओनर है। चलिए कितना होगी? 18 से 20 हज़ार। ओके, आस्किंग क्या कर रहे हैं भैया? ये पड़ेगी आपको 32,500। नेक्स्ट गाड़ी भैया आ जाते हैं स्प्लेंडर पे जी। ओके, i3 यानी ये आई स्मार्ट है? ओके, आई स्मार्ट है। ऊंचा मॉडल है ये भी? हाँ, ऊंचा मॉडल है। कौन सा मॉडल है भैया? ये 16 मॉडल है। हाँ। ओके, कंडीशन आप एक बार देख लीजिएंगे, सिनेमेटिक एंजॉय कर रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छे से मेंटेन की हुई गाड़ी है, लेस ड्रिवन है। ड्रिवन भैया बता दीजिए, अभी पता चल जाएगा क्या चली हुई है। ये चली हुई 24,000। सिर्फ 24,000। ओके, ओनरशिप फर्स्ट ही है? फर्स्ट ओनर है। ओके, टायर वायर बिल्कुल सब एक्यूरेट हैं, बिल्कुल यहाँ से बस स्टार्ट करना है और लेके जाना है ऐसी कंडीशन में। प्राइसिंग भैया बता दीजिए। प्राइस ये पड़ेगी 35,500। नेक्स्ट गाड़ी भैया पीछे इस साइड एक और गाड़ी खड़ी हुई है, सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर हमेशा रखते हैं, जिनको दमदार गाड़ी चाहिए, स्प्लेंडर का भरोसा चाहिए, माइलेज वाइलेज सब कुछ ओके चाहिए, वो ये गाड़ी ले सकता है। इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। 17 मॉडल 125 यानी 125 सीसी की गाड़ी होती है। 17 मॉडल। ओनरशिप कौन सा है? फर्स्ट ओनर है। चली कितना होगी? चली 18,000। हाँ। क्या प्राइसिंग कर रहे हैं भैया? ये पड़ेगी आपको मान के चलिए 46,500। नेक्स्ट भी भैया सेम गाड़ी खड़ी है, बस ये है, ये वो i3s टेक्नोलॉजी पे है। क्यों भैया? 18 मॉडल है। ओके, इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। ओनरशिप कौन सी है? 21,000 चली है। ओनरशिप फर्स्ट ओनर है। कोई भी गाड़ी में मीटर से छेड़छाड़ यहाँ नहीं होता, नहीं होता, चेक करा ले कोई दिक्कत नहीं। ओके, 18 मॉडल है। प्राइसिंग भी भैया बता दीजिए। ये पड़ेगी 52,500। नेक्स्ट गाड़ी आ जाते हैं भैया पल्सर, बहुत दिन बाद 150 मिल रही है, थोड़ी सी ऊंचा मॉडल। इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। 19 मॉडल है। हाँ। इसकी डिटेल भैया? 7,500 गाड़ी चली हुई मात्र। मात्र। ओके, ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर ही अपने पास रहता है। 5 साल का इंश्योरेंस? इंश्योरेंस भी है, फर्स्ट पार्टी है। हाँ। ओके, 5 साल यानी इंश्योरेंस में ही बच गए कम से कम 4-5 साल बचा हुआ। अभी 4 साल बचा है, मतलब 5 साल का होता है, 1 साल पुरानी गाड़ी। 3-4 हज़ार रुपये तो बची गए इंश्योरेंस के। 5,000 रुपये। ओके, आस्किंग भैया क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ओनरशिप है। हाँ। चलिए कितना बताया आपने? 7,500। 7,500। क्या आस्किंग कर रहे हैं? ये पड़ेगी आपको 71,500। 71,500। ओके, पीछे भी भैया हमारे पास कलेक्शन लगा हुआ है FZ। ये गाड़ी कम दिखती है लेकिन अपाची की बहुत डिमांड आती है। अपाचे भी दिखाएंगे, अपाची का आपको इंट्रो दिया था वो भी दिखाएंगे। पहले आ जाते हैं भैया FZ। इसकी डिटेल दे दीजिए। 17 मॉडल है ये। 17 मॉडल है। हाँ। ओके, ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। चली कितना है? चली होगी लगभग 15,000 चली। लखनऊ नंबर ये भी है? लखनऊ नंबर ऑन रिकॉर्ड है ये भी जी। ओनरशिप फर्स्ट ही है बस। आस्किंग भी बढ़िया सी बता दीजिए भैया। ये पड़ेगी 62,500। ओके, इसकी भी भैया डिटेल दे दीजिए। अपाचे RTR 160 ब्लैक कलर में। 17 मॉडल। ओके, ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर है। चली कितना होगी भैया? चली होगी 20,000। 20,000। ओके, 20,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर, 17 मॉडल गाड़ी है, है ना भैया? हाँ। आस्किंग क्या कर रहे हैं? ये पड़ेगी आपको 60,500। 60,500। आ जाते हैं भैया थोड़ा सा इधर, वाइट भी लगी है। ब्लैक जिसको ना समझ में आए, कलर जिसको वाइट चाहिए, 180 चाहिए, वो वाइट ले सकते हैं। 18 मॉडल है ये। ओके, 18 मॉडल 180 अपाचे RTR। इसकी डिटेल दे दिया। ये चलिए है 15,000। 15,000। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है। पूरी जेन्युइन, मतलब कोई इंजन से कोई काम तो नहीं हुआ है? नहीं, बाकी टायर वायर सब कुछ ओके है। ऊंचा मॉडल है, वाइट कलर है, अपाची RTR का वाइट कलर बहुत डिमांडेड रहता था। इसकी भैया डिमांड बता दीजिए कितने में पड़ जाएगी? 72,500। 18 मॉडल। हाँ। ब्लू कलर भी खड़ा है, यानी पाँच के लगभग सारे कलर एक तरीके से मिल रहे हैं आज। हाँ। इसकी डिटेल दे दी भैया। ये 19 मॉडल है, 5 साल का इंश्योरेंस। 18 के बाद अपग्रेड करना, ऊंचा मॉडल लेना, 19 पे आ जाइए, बिल्कुल ही नया लगभग। 19 मॉडल है, 160 RTR। इसकी डिटेल दे दिया। ये 19 मॉडल है। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है। चली कितना होगी? 16,500। 16,500 चली हुई है। ओके, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल का इंश्योरेंस मिलेगा इसमें? इसमें भी मिलेगा। हाँ। जिस गाड़ी में नहीं मिलेगा इंश्योरेंस उसकी भी बात करेंगे, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं, वीडियो रुके रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना नॉलेज मिस हो जाएगी। फिर ट्रांसफर का भी पैसा अलग से ही लगेगा। अलग से लगेगा, उसकी प्रॉपर अभी बात करेंगे अपने ऑफिस में चल के। इसकी डिटेल भैया 2019 मॉडल है। चली बताया कितना? ये चली हुई है 16,500। 16,500। आस्किंग क्या कर रहे हैं भैया? आस्किंग ये पड़ेगी 90,500। ओके, आ जाते हैं भैया लास्ट गाड़ी। इस गाड़ी की डिटेल दीजिए। पैशन खड़ी है प्रो। हाँ, 18 मॉडल। 18 मॉडल। ओके, इसकी डिटेल दीजिए। 18 मॉडल है, पैशन प्रो है। हाँ। ओके, किलोमीटर कितना चली है? ये चली है
28,000। ओके, बहुत डिमांडेड ये भी गाड़ी है। स्प्लेंडर से ही कंपेयर कर सकते हैं लोग, स्प्लेंडर से जो थोड़ा सा ऊपर चाहते हैं और माइलेज का बहुत ज़्यादा माइंड में नहीं रखते वही थोड़ा दमदार गाड़ी ये भी ले सकते हैं। क्यों भैया, इसकी भी आस्किंग बता दीजिए कितने की पड़ जाएगी? ये पड़ेगी 18 मॉडल है, 40,500। ओके, सारी गाड़ियों की भैया हमने डिटेल दे दी। एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लोगों को सुनना जानना, फाइनेंस की क्या प्रोसेस है? अभी नहीं है, 20 तक। ओके, इसके बाद ही होगी, मतलब कोविड के दौरान किसी को फाइनेंसर कर नहीं पा रहे हैं ना। ओके, बाकी फाइनेंस होता भी है तो सिर्फ लखनऊ में या फिर लखनऊ में? हाँ। ओके, बाकी इन गाड़ियों के लिए किसी को पेमेंट करना हो बाई चांस बुक कराने के लिए तो बुक करा सकता है? 1,000 रुपये बुकिंग होती गाड़ी की। ओके, अगर वो गाड़ी नहीं ले जाता है तो 1,000 उसको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे वो कितने दिन? कम से कम भैया आप 10 दिन। ओके, बाकी आप निश्चिंत रहिए, गाड़ी अगर आपने अपॉइंटमेंट डाल दिया है तो लेके ही जाएंगे, ऐसी हाँ, गाड़ी होती है। हाँ, बाई चांस कोई कमी निकली तो आप तो हम सही करा के देंगे। ठीक है, सही करा के देंगे, और अगर किसी को डाउट हो तो एक्सचेंज करा ले। एक्सचेंज सुपर स्प्लेंडर लेके आया है, पैशन ले सकता है, पल्सर ले सकता है, कोई भी गाड़ी ले सकता है, मतलब डाउट क्लियर कर देंगे। अगर मतलब ये बुक कराई सुपर समझ में नहीं आती तो पल्सर भी ले सकता है, आपकी सिटी 100 भी ले सकता है, सुपर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 ऑप्शन दे दिए हैं, जो मनो वो उठा ले जाओ। ओके, उसी पैसे में एडजस्ट हो जाएगा। ओके भैया, थोड़ा सा हमारे भाई लोग बंधु परेशान कर रहे होंगे, इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करिएगा और हम थोड़ा और डिटेल लेंगे। चलिए ठीक। ओके, बहुत सारे लोग भैया को परेशान करते हैं, दिन रात कॉल करते हैं, उसकी भी टाइमिंग बता दीजिए भैया, कॉल किस समय लोग करें? बहुत प्यार करते हैं सत्येन जी को, मिस करते हैं लोग, दमदमा देते हैं। कॉल करने के लिए हमारे पास मान कीजिए 10 के बाद करिए, सुबह 10 के बाद, सुबह 10 के बाद, रात में 9 बजे तक, रात में 9, तो इस दौरान कॉल करिए, कॉल पिक होगा। बहुत सारे लोग यहाँ कॉल उठाने के ही लिए हैं, पूरा असिस्टेंस मिलेगा, जो यहाँ आएगा उसको गाड़ी चेक करके मिलेगी, अदरवाइज़ कोई घर बैठे देख के ही डील करना चाहता है कर सकता है, लेकिन कोशिश करे वो यहाँ जरूर चेक करे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो गाड़ी बदल के दूसरी भी ले सकता है, दूसरी भी ले सकता है, माइंड में ये ना रखें। हाँ। ओके भैया, ये सारी डिटेल हो गई। आर्यन ऑटो सेल्स में हम खड़े हैं, एड्रेस है ब्राइट मोटर्स के बगल में, डालीगंज में है, और पूरी डिटेल दे दी। चलिए ऑफिस में देते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा बहुत और है जो डिटेल ले लेते हैं, ताकि आप लोग को ये चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भैया डील्स यहाँ पर मिलेगी ही सही कि नहीं मिलेगी। तो एस ब्लॉग जहाँ भी एक्सप्लोर करता है वहाँ पर आप निसंकोच जा सकते हैं, शर्त यही है कि आप हमारे ही ऊपर नहीं, आप अपने ऊपर भी पूरा तरीके से भरोसा करते हुए गाड़ी लीजिए, चेक ज़रूर कराइए, कोई भी डाउट हो चेक कराइए, ताकि आपकी संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे आपकी डील अच्छी नहीं होगी। तो गाड़ी को लेना है तो सबसे पहले आप गाड़ी चेक कराइए, पूरे डाउट क्लियर करिए, तभी डील करिए। क्यों भैया जी, बाकी फाइनेंस इस समय नहीं हो पा रहा? फाइनेंस 2021 में शुरू होगी, 2021 में। ओके, प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस अभी नहीं हो पाएगा। गाड़ी की जो रेट बताए हमने इससे एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर का पैसा लगेगा, ट्रांसफर का पैसा पड़ेगा। ओके, जिन गाड़ियों में इंश्योरेंस नहीं होगा इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, उसका आप नहीं कराएंगे? क्यों भैया, हम नहीं कराएंगे, पार्टी को ही कराना, पार्टी को कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस लगभग कितने पैसे में हो जाता होगा? 950। 950 आराम से हो जाता है, अगर पार्टी कहती है कि भैया आप ही करा दीजिए, हमें लकड़ा नहीं चाहिए, तो आप करा देंगे। ओके, 950 पे करेंगे, और 950 में ही होता है, ये नहीं कि हम बता रहे हों 700 पड़ता हो 950 बता रहे हैं, 950 बाहर आप पता करेंगे पता चल जाएगा। ओके, सारी डिटेल दी थी, सत्येन जी हमारे साथ थे, अच्छी अच्छी गाड़ियों की डिटेल देते हैं। शर्त यही है कि आप जैसे ही वीडियो देखिए वैसे ही गाड़ियों के लिए बात करिए, क्योंकि भैया के पास गाड़ी रुकती नहीं है, नहीं रुकती गाड़ी, क्यों रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया वीडियो में देखा वो गाड़ी चाहिए, नहीं मिल पाती क्योंकि गाड़ी आपने वीडियो देर में देखा है, इसलिए तुरंत वीडियो देखिए और तुरंत कॉल करिए, और कॉल की टाइमिंग भी बता दी है। आर्यन ऑटो सेल्स में हम खड़े हैं, यहाँ की बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखाते हैं, बीच बीच में जैसे ही स्टॉक अपडेट होता है सत्येन जी हमें याद करते हैं या हम इन्हें याद करते हैं और आपके पास वीडियो लाते हैं। तो यही थी डिटेल भैया, अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ, अच्छा कलेक्शन ऐसे ही दिखाते रहिए और लोगों को खुश करते रहिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल क्लिक कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।